गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल. आई विल टीच यू हिंदी एंड टूडे वी विल रीड चैप्टर नंबर फर्स्ट इन हिंदी. सो जो आपकी कक्षा एक है उसका जो पहला पार्ट है वो क्या है? वर्णमाला. आपने अपनी पिछली कक्षा में भी वर्णमाला के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं. और वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में, ठीक है? स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं. हम बोल बोलकर इनके लिखेंगे. तो पहला जो स्वर है वो क्या है? अ से अनार. अ से अनार. दूसरा है आ से आम. आ से तीसरा है ई से इमली. आप भी साथ साथ में बोलते जाइए, ई से इमली. जो चौथा है वो है ई से इख. इसे बड़ा वाला ई भी बोलते हैं, ठीक है? इख मैंने क्या होता है? गन्ना होता है, उसे हम बोलते हैं इख. ई से इख. ई के बाद आता है ऊ से उपवन. उपवन मैंने बगीचा. ऊ से उपवन. अगला है ऊ से ऊन. ऊन का मतलब क्या होता है? ऊन होती है जिससे हम शर्ट बनाते हैं, ऊन. अगला है री से ऋषि. ऋषि. री से ऋषि. अगला है ए से एक. ए से एक बोल सकते हैं या ए से एड़ी बोल सकते हैं, ठीक है? अगला है ए से ऐनक. ए से ऐनक. अगला है ओ से ओस. अगला है ओ से ओस. ओ से ओ के बाद औ से औरत. औ से औरत. ठीक है. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ई, छोटा उसे उपवन, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एक, ए से ऐनक, ओ से ओस और औ से औरत. आगे ये इरेज कर देते हैं. अगला है अ से अंगूर. अ से अंगूर. और फिर अ से अंगूर के बाद अ खाली. तो ये स्वर की बात सुने रखे हैं. पहला क्या है व्यंजन? क से कमल. पहला व्यंजन है क से कमल. क से कमल. ख से खरगोश. ख से खरगोश. ग से गमला. ग से गमला. फिर घ से घड़ी. और अगला डस ड ड खाली. फिर है ड खाली के बाद च से चम्मच. छ से छतरी. छतरी या छाता. ज से जग. ज के बाद झ. झ से झरना. झ से झरना.
और आगे ज काली। तो वापस पढ़ेंगे एक बार, आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। क से कमल, ख से खरगोश, घ से घमला, घ से घड़ी, ड खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज या फिर ज से जग, झ से झरना और ल खाली। अब स्वर और व्यंजन को एक बार वापस दोहराइए आप। इरेज कर देती हूँ। अब ट से टमाटर, ठीक है, ट से टमाटर। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया। डलिया यानी एक तरह की टोकरी हो गई, ठीक है, सामान डालने की। ढ से डपली, बजाते हैं डपली को, और ढ के बाद ण खाली। ण के बाद क्या आता है, त। त से तरबूज, तरबूज के बाद थ से थर्मस, थ के बाद द, द से दरवाजा, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, प से फल, ब से बस, भ से भवन, म से मछली, य से यज्ञ, य से यज्ञ। य से यज्ञ, ठीक है, य से यज्ञ। य से यज्ञ लिखते हैं, य से यज्ञ। र से रथ, ल से लट्टू, लट्टू देखा है लट्टू, व से वक्र, वक, व से वक, वक यानी पक्षी होता है एक वक, बगुला जिसको बोलते हैं। च से सलजम, छ से षटकोण, षटकोण क्या होता है जिसके छह भुजाएं हैं, जैसे एक दो तीन चार पांच। स से सलाद, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल होता है, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी जिसे कोई भी विषय का ज्ञान हो। ट से श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर। स से सड़क, स से सड़क में जो ड आता है, स से सड़क, ड। और ब से, ड से बढ़ई, बढ़ई यानी सुथार या फिर लकड़ी काटने वाला। तो ठीक है, स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला गीत। एक पोयम दे रखी है, कविता दे रखी है, वर्णमाला गीत, तो इसे पढ़ते हैं।
आओ बच्चों गाए गाना, स्वरों को हमने है पहचानना, गाओ गाओ मिलकर गाओ, ताली बजाओ और दोहराओ, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ ओ। आप भी साथ साथ में बोलो, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ ओ। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा उ से उपवन, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐ से एट, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। अब हम गाए व्यंजन गीत झूम झूम कर सब लो सी, क ख ग ग ड़ छ झ ज न, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, छ से झंडा, ज खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ड से ढोलक, ण खाली, त थ द धन, त थ द धन, प फ ब भ म। तो त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ठ से धनुष, न से नल, प से पतंग, प से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य र ल व भूल न जाना, श श स ह गुनगुनाना। क्या बोल रहा है ये? य र ल व भूल न जाना, श स स ह गुनगुनाना। तो य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल, शत्र ज्ञ श भी दोहराना। हम सब मिलकर नाचे गाएं, वर्णों को सीखे सिखलाएं, बार बार दोहराएंगे तो कभी भूल ना पाएंगे। तो ये पोयम भी याद करनी है, वापस पढ़ते एक बार। आओ बच्चों गाए गाना, स्वरों को हमने है पहचाना, गाओ गाओ मिलकर गाओ, ताली बजाओ और दोहराओ, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ए ओ ओ। अब हम गाए व्यंजन गीत झूम झूम कर सब लो सी, क ख ग ग ड़ छ छ ज ज, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व भूल न जाना, श स श ह गुनगुनाना, श त्र ज्ञ श्र भी दोहराना। हम सब मिलकर नाचे गाए, वर्णों को सीखे सिखलाएं, बार बार दोहराएंगे तो कभी भूल ना पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा। तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में अपनी हिंदी की नोटबुक में स्वर और व्यंजन को पढ़ना है, पाठ का नाम डालना है वर्णमाला, उसके बाद स्वर और व्यंजन के लिखने हैं। पहले अ से लेकर अ तक स्वर लिखने हैं, उसके बाद वर्णमाला व्यंजन लिखने हैं, क से लेकर कहाँ तक थे, ब तक, ठीक है, वो लिखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।